चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और ताज़ा अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन पर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और सुबह का रूटीन चालू हो चुका है। मम्मी जी उठ के नाश्ते के लिए बना रही हैं तोरी, उसी की तैयारी हो रही है। मम्मी जी प्याज काट रही हैं और ये पारुल वीडियो बना रही है क्योंकि मैं उस टाइम सो रहा था। और पारुल कर रही है पोछा मारने की तैयारी, उसी के लिए लिक्विड ले रही है क्योंकि हम पानी में लिक्विड डालते हैं मसल्स वाला, इससे खुशबू भी हो जाती है और कीटाणु भी मर जाते हैं फर्श के जो भी होते हैं। ये एक ढक्कन डाल दिया पारुल ने पानी के अंदर और अब ये मॉप करेगी। मिस्टर मसाल, और ये पारुल ने कर दिया है पोछा मारना स्टार्ट। पहले सबसे पहले इसे पानी में डाल के इसे अच्छे से घुमा रही है, फिर इसमें से एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया जाता है। इसमें ऐसे ही बस ये इसमें पता नहीं क्या होता है, नीचे की तरफ तो नीचे ही घूमता है। फिर इसका लॉक लगा के ये पोछा मार दिया जाता है। ये देखिए, इसका ये फ़ायदा होता है कि आपको बैठ के पोछा नहीं मारना पड़ता, आप खड़े खड़े आराम से बिना किसी दिक्कत के पोछा मार सकते हैं और सफाई भी अच्छी हो जाती है। आप किसी भी कोने तक ले जा सकते हैं क्योंकि डंडी लंबी होती है ना इसकी, तो आराम से आप कहीं भी आसानी से पोछा मार सकते हैं। अब पारुल कर रही है केतली में पानी गर्म। ये इलेक्ट्रिक केटल है दोस्तों, इसमें एक सेकेंड में पानी गर्म हो जाता है। बस इसमें पानी डाला, ऑन किया और एकदम ही उबाल आना चालू हो जाता है, तो बहुत टाइम सेविंग करता है। थोड़ी बिजली ज़रूर खर्च होती है बट काम जल्दी हो जाता है इसमें, क्योंकि इतने आप गैस जलाओगे इतने देर पानी गर्म कर देता है। और ये पारुल ने डाल दिया गिलास में पानी, ये मम्मी जी पियेंगी क्योंकि मम्मी जी गर्म पानी पीती हैं। अब पारुल मम्मी जी के लिए दूध रेडी कर रही है, ये सब उबालेगी और इसमें सब कुछ डालेगी, जो मखाने किशमिश बादाम जो सब हैं। और दोस्तों मम्मी जी के लिए दूध रेडी है, देखिए क्या शानदार लग रहा है। और इधर ये चाय बन रही है हमारे लिए। लीजिए दोस्तों चाय रेडी है, हम भी पीते हैं और आप सभी भी पीजिए गर्मा गर्म सुबह की चाय। और ये चाय है पापा जी के लिए दोस्तों, ये पापा जी सुबह उठ के पहले चाय पीते हैं बाद में करते हैं। और मम्मी जी ने तोरी के लिए तोरी काट दी है और सारा मसाला कट चुका है। और मम्मी जी ने कढ़ाई में तेल भी डाल लिया है और सबसे पहले से हम छोंकेंगे जीरे को। और अब इसमें मम्मी जी डालेंगी जो कटे हुए प्याज लहसुन ये सब चीज़ें इसके अंदर डाल देंगी। और दोस्तों मसाला पक चुका है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है मसाला ही पका हुआ। सब्जी सोचो कितनी अच्छी बनेगी। और अब मम्मी जी ने इसमें डाल दी है तोरी। और अब मम्मी जी डाल रही हैं दोस्तों इसमें हल्दी, स्वाद अनुसार जैसे आपको पसंद है। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डाल दीजिए, नहीं तो हल्की डालना चाहें तो हल्की डाल दीजिए। और अब डाल दिए लाल मिर्च, ये भी स्वाद अनुसार है दोस्तों, जिसको तीखा पसंद है वो ज़्यादा डाल दीजिए, जिसको नहीं पसंद तो कम। और ये सारा का सारा मम्मी ने जो बच रहा था गर्म मसाला इसके अंदर डाल दिया। और अब इसमें लास्ट में डालेंगे हम स्वाद अनुसार नमक। और अब मम्मी इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगी और थोड़ी देर इसे ढक के रख देंगी तब तक ये बन ना जाए। लीजिए दोस्तों गर्मा गर्म स्वादिष्ट तोरी सब्जी तैयार है बिल्कुल। और दोस्तों ऐसा था, रात में कुछ रोटियां बच गई थी तो मम्मी जी इन बची रोटियों का बना रही हैं चूरमा देसी घी का। तो सबसे पहले मम्मी जी ने रोटी को तोड़ के इन्हें अच्छे से बारीक कर लिया। और दोस्तों जो इसमें चीज़ डलेंगी वो है घी और शक्कर, ये देखिए। लीजिए दोस्तों हमारा चूरमा बिल्कुल रेडी है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। आपका मन भी कर रहा होगा खाने का तो आप भी खाइए। और ये मेरी लंच बॉक्स रेडी किया जा रहा है, इसमें रोटी डाल चुकी है और तोरी दी जाएंगी आज नाश्ते में। वैसे तोरी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है लेकिन फिर भी क्या करें, खानी पड़ेगी। और इधर माँ जी अपना नाश्ता कर रही हैं, रस और दूध खा रही हैं। सुबह में माँ जी के लिए हल्का नाश्ता है। और ये देखिए हमारा गेट जो लगा था इसमें जाली वाली सब फिट है एकदम और हवा आती रहती है। और देखिए त्रिमूर्ति बैठी हैं, दो बैठी हैं, खड़ी है, माँ खा रही है अपना खाना।
क्या खा रही हो माँ खाने में? अच्छा माँ जी माँ जी ने छोटी प्लेट ले रखी है। मम्मी बोल रही है क्या बड़ी प्लेट में? और किसी चीज पर रख के खा ले करो, अपने गोड्डों पे रख ले हो तुम, यहाँ रख ले करो। ये देखिए इधर वो है सोफा। और पारुल बना रही है रोटी हमारे लंच के लिए। ये देख रही हैं सौरभ जोशी के ब्लॉग्स, अपने तो देखती नहीं, सौरभ जोशी के देखती हैं। पापा जी ने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है और अब रेडी होंगे ऑफिस के लिए। मैं तो थोड़ा लेट ही होता हूँ, अभी नहाऊंगा धोऊंगा फिर रेडी होऊंगा। और दोस्तों मौसम सही है, ना ज़्यादा धूप है, थोड़े बादल छाए हुए हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, अच्छा हो रहा है मौसम। और दोस्तों मम्मी जा रही है अपने घर, देखो बैग भी पैक कर लिया है। कितने दिन में आओगे मम्मी? एक डेढ़ महीने में। अच्छा जी, अपन अपने घर चक्कर मारती रह करो है। दोस्तों सॉरी मैं मजाक कर रहा था, ये हम बैग इधर से उधर कर रहे हैं बस, क्योंकि पार्ल का सामान आया था वो हमने उठा के सब रख दिया है। ये खाली खाली बैग है बस, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। और ये पापा जी कर रहे हैं इस काम को। ये लगा दिया उन्होंने अलमीरा में अपने वाली में। ये देखिए ये पापा की अलमीरा है और ये फिट आ गया है इसमें। बहुत बड़ी अलमारी है ये, इसमें बहुत सामान हमारा फिट हो चुका है इसलिए दिखता नहीं है बाहर। और सभी देवी देवताओं को मेरा प्रणाम। और पारुल मुझे तोरी नहीं पसंद, तो तोरी क्यों बनाई गई आज है जब मुझे पसंद है ही नहीं? क्या फायदेमंद हुआ है? मुझे तो बिल्कुल फायदा नहीं लगता उसका, जब मैं खाऊंगा ये तो क्या फायदा? राजमा कितने दिन से बना कर रखा? कल मुझे तो नहीं आता कल राजमा था। दोस्तों देखो मुझे लगता 3 दिन पहले राजमा बना था, वो पड़ा हुआ है। आलू शिमला मिर्च कल बनी थी, मतलब ताजे में कुछ मेरे फेंकने की बात नहीं है, कुछ ढंग का बना लेती, दाल ही बना लेती इससे अच्छा। तो तोरी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ पे दोनों तोरी के ऊपर बैज छिड़ रही है, लेकिन तोरी से तो अच्छी लगती है दाल मुझे। चलो अच्छा दोस्तों ये देखो, आप खुद देखो तोरी आपको अच्छी लग रही है देखने में? मुझे तो देखने में नहीं अच्छी लग रही, खाने में बहुत अच्छी है। अच्छा खाने में अच्छी है, देखने में अच्छी नहीं है? पापा तो बता रहे हैं अच्छी बन रही है, बट मुझे अच्छी लगती ही नहीं तोरी। और माँ जी तो दबा के खा रही हैं, देखो अच्छी लगा मुझे तो नहीं लगती बिल्कुल भी। और मम्मी मम्मी खा रही हैं आलू शिमला मिर्च कल वाली सब्जी, भी इतनी बना कर रहे हैं 3-3 दिन चला है, कम बना करो मम्मी। देखो कैसे देख रही हैं, जैसे आँखों से ही मारेंगे मेरे। और पारुल दे रही है मुझे पार्क की चॉकलेट, देखिए हैं आधी 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 तो ले ले आधी में, चल तो ही खा ले फिर। और पापा जी भी रेडी हैं दोस्तों। और दोस्तों मैं भी रेडी हो चुका हूँ देखिए, और अब चल रहे हैं हम ऑफिस, और फिर शाम को मिलते हैं। तो तकली बाय बाय।